चुके हैं और औली का डिस्टेंस विंटर स्पोर्ट्स चल रहा है जो उत्तराखंड टूरिज्म ऑर्गेनाइज करता है। इसी जगह चलना बहुत मुश्किल हो सकता है। एक जाती रहेगी, एक आती रहेगी। गाड़ी ने हमें यहाँ ड्रॉप किया और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। औली का जो मेन बस स्टैंड है वहाँ से करीब 5 किलोमीटर आगे जाके ITBP का एक गेट बना है ग्रीन कलर का, वही वो जगह है जहाँ से ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं और यहीं से मैंने भी ट्राई करना स्टार्ट किया। कुछ टाइम पहले यहाँ सब जगह बर्फ़ गिरी हुई थी, अभी भी कुछ बर्फ के टुकड़े देखे जा सकते हैं। और ये है सीढ़ियाँ, काफ़ी ऊपर आ गया हूँ। नीचे एक मंदिर है जिसमें सब फौजी लोग आज कोई हवन या ऐसा कुछ करवा रहे हैं। और ये रास्ता है और पीछे के खूबसूरत पहाड़, ऐसे नज़ारे कभी देखे नहीं और ये बहुत अच्छी जगह है। I'm really liking it। इन सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते कैसे जी आप औली की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये बर्फ़ अभी यहाँ है, इसका मतलब रिसेंटली यहाँ स्नोफॉल होकर हटा है। आज का टेम्परेचर इस वक्त 7 डिग्री सेल्सियस है और रात में 5 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। बारिश का मौसम है, आज बारिश का फोरकास्ट किया गया है। बुधवार तक ऐसी बारिश के चांस है और मिनिमम टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस तक जाने का फोरकास्ट है वेदर रिपोर्ट के हिसाब से जोशीमठ में। औली में तो हाइट ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा डाउन ज़्यादा जाएगा। ये 6 किलोमीटर हम आ चुके हैं और औली का डिस्टेंस 7 किलोमीटर मोर। ये जगह मज़ेदार है और ख़तरनाक भी हो सकती है और ऐसी जगह घूमने में मज़ा अलग आता है। नज़ारा जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं ऊपर पहाड़ है और बारिश का आज फोरकास्ट है तो देखिए बादल छाने लगे हैं और ज़मीन से हम करीब 300 या 400 मीटर ऊपर यहाँ पहुँचे हैं इस वक्त। और ये है रास्ते का हाल। मेरे दोस्त को देखिए कितना आगे तक चले गए। ये है वो खूबसूरत जगह। ये खूबसूरत जगह है दोस्तों, इस जगह पे चढ़ना अपना अलग ही एक्सपीरियंस है। आप बर्फ़ के बीच पे हैं, छोटा सा एक ट्रैक है जिस पे नॉर्मली लोग गर्मियों के टाइम पे आना पसंद करते हैं और यहाँ पर हम लोग इस वक्त विंटर्स में ट्रैक कर रहे हैं। स्लिपरी है, शूज़ उतना साथ नहीं दे रहे पर इसका मज़ा ही अलग है। इससे अच्छा एक्सपीरियंस लाइफ में हो पाना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। और आफ्टरऑल हम लोग आए इसलिए यहाँ पर। तो औली से अभी हम करीब 3 या 4 या 4.5 किलोमीटर दूर हो गए। रोड से हम काफ़ी ऊपर हैं और अगली रोड कहाँ हमें पता नहीं। पूरा का पूरा टॉप तक हम क्लाइंब करके जाएंगे। जोशीमठ से यहाँ आने के लिए रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अगर आप आना चाहें तो गाड़ी अभी भी जा रही है, रास्ता खुला है। ऊपर अभी विंटर स्पोर्ट्स चल रहा है जो उत्तराखंड टूरिज्म ऑर्गेनाइज करता है तो ये ओवरऑल अच्छा टाइम है यहाँ आने का। इस वक्त बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिसे आप देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये हल्की हल्की बर्फ़ यहाँ गिरनी शुरू हुई है पेड़ों से, छन के जब नीचे आ रही तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। और इस वक्त हम बर्फ़ के बीच में हैं एकदम, और ये ट्रैक जिसको हम मूवी करते हुए ऊपर चल रहे हैं। कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाऊंगा। ये मज़ेदार एक्सपीरियंस है, देखने में बड़ा अच्छा, महसूस करने में अच्छा, और यहाँ की शांति इसका तो कोई जवाब ही नहीं। ये एक्सपीरियंस वाकई ज़बरदस्त है। जब बर्फ़ थोड़ी पुरानी हो जाती है लोगों के चलने की वजह से, तो वो हार्ड हो जाती है, और हार्ड बर्फ़ पे स्लिप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये पूरा स्लिपरी है, पाँव रखते ही फिसल जाता है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपको स्नो ट्रैक पे वॉक करना हो तो पाँव पूरा टिकाइए, पूरा पाँव टिका करके ही चलिए, और छोटे छोटे कदम रखना अच्छा है। ऐसी जगह चलना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये बर्फ़ शुरुआत होगी दोस्तों, और ये ट्रॉली जा रही है ऊपर। लगता है इच्छा पूरी होने लगी हम लोगों के स्नोफॉल में ट्रैक करके ऊपर आने के। हाँ, ये है ना GMVN रिजॉर्ट। दैट्स गुड। नो फोटो। अब जाके स्नोफॉल शुरू हुआ है। वाह, अब ये फील आने लगी है मेरे को। तो रूम टैप बताते 2000 रुपये शुरू होता है यहाँ पे। सच में व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। ये वो पॉइंट है जहाँ तक लोग स्कीइंग करके आते हैं, और ये है चेयर लिफ्ट जिसके थ्रू हम लोग जा सकते हैं टॉप तक, और वहाँ से स्कीइंग करते हुए हम नीचे आएंगे। ये टिकट 500 रुपये की है। ये बाई डिफॉल्ट एक ऊपर जाती है, एक नीचे आती है। इनकी सेटिंग ऐसे की हुई है, एक जाती रहेगी, एक आती रहेगी। जितना आगे बढ़ रहा है उधर से उतनी आ रही है। क्यों? है GMVP गढ़वाल मंडल विकास निगम का रिजॉर्ट। ब्यूटी।